हिंदू संयुक्त मोर्चा की तरफ से चौड़े बाजार घंटा घर में आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस मौके पर बिट्टू गुम्बर की अगुवाई में इस प्रदर्शन को किया गया। समूह हिंदू संगठनों के साथ साथ समाजसेवी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर हिंदू लीडरों पर इसी प्रकार हमले होते रहे और हिंदू लीडरों को इसी प्रकार धमकियां मिलती रही तो इस संघर्ष को और तेज करेंगे। और इस मौके सभी हिंदू नेता उपस्थित रहे। भानु प्रताप युथ चेयरमैन शिवसेना पंजाब ने भी आतंकवाद का विरोध किया। आप देख रहे हैं क्राइम ट्रैकर्स लुधियाना से राजीव कुमार के साथ रमन कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे हिंदू समाज ने सनातन धर्म के प्रचार हेतु जिन्हें भी काम करते हैं उन्होंने रल के आज घंटाघर चौंक लुधियाना विखे आतंकवाद का पुतला फूकया, जो कि हमेशा ही हिंदुओं नाल धक्का आतंकवाद करते हैं। पिछले दिन ही गुरदासपुर के भी एक हिंदू नेता मारिया गया और लुधियाना भी पहला एक का कतल किया गया। तो अज सारे समाज ने रल के घंटाघर चौंक के आतंकवाद का पुतला फूकया। प्रशासन को यह अपील करते हैं कि हिंदू समाज जिहड़ा भी वधिया तरीके नाल सनातन धर्म का प्रचार करता है उसकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। पंजाब सरकार हिंदुओं के हक की बिल्कुल नहीं गल कर रही। असी सरकार अगे भी अपील करते हैं कि तुसी इसका ध्यान दिता जाए और प्रशासन भी कहने भी इस चीज़ का ध्यान दिता जाए। जेडे कि इस समाज को अगे ले जा रहे हिंदू उन्होंने क्यों टारगेट बनाया जाता वै? हमेशा हिंदुओं ही टारगेट बनाया जाता वै। जो भी वध चढ़ के सनातन धर्म का प्रचार करता उन्होंने धमकी देते हैं और मार देते हैं। तो प्रशासन यही मंग है कि इसका इंतजाम किया जाए। 5-6 महीने तो फोन पर कभी धमकियाँ तरह तरह मैं सोचता सी मजाक होगा, लेकिन पिछले दिन ही मेरी गड्डी रोक के जो मैंने उन्होंने कहा कि अगली बारी तेरी है, गुरदासपुर तो जी हत्या हुई उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा गड्डी अगली बारी तेरी है। मैं तो इस चीज़ को लैटली लेंदा रहा, लेकिन मेरे दोस्त चाहते हैं कि यदा आप मुँह तोड़ जवाब दईए कभी नहीं डरा। पुलिस प्रशासन को मिले हैं, कतवाली थाने के रिपोर्ट भी कराई है, FIR दर्ज भी कराई है और पुलिस वो पड़ताल कर रही है। अज हिंदू संयुक्त मोर्चे वालों घंटाघर चौंक स्थित अतवाद का पुतला फूकया गया। कितने ना कितने हिंदू समाज के दिल के अंदर हिंदू समाज के भावनाओं ठेस जिदा पंजाब सरकार वालों पहुँचाई जा रही ने उस हिसाब ना तुम देख जिदा डे बाय डे हिंदू लीडर उत्ते हमले हो रहे हैं या जो कल की खबर तुम देख सकते हो जिहड़े अपने मुंडे फड़े ने अपने पुलिस ने जो धारीवाल कांड के पंजाब पुलिस का कमांडो भी एक शामिल है। कितने ना कितने एक सुरक्षा के उत्ते बहुत वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अगर पंजाब पुलिस के मुलाजम भी इन्हों अतवादियों रले होंगे तो पंजाब के जो हालात ने वो तो किस पासे जाएंगे? कितने ना कितने जो पुराना टाइम निकलिया कितने वो दोबारा आने की तैयारी तो नहीं? सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन्नी चुस्त होने तो बाद भी उन्होंने नक् के तले पंजाब पुलिस महकमे के इदा का एक अतवादी गद्दार बैठा रहा और उन्होंने कानों कान खबर नहीं लगी। देखो जी पंजाब सरकार जी आई है हिंदुओं की वोटा सिर पर ही आई है और हिंदुओं लिए पंजाब सरकार का जो रवैया है वो दोगला रवैया है। देखे तुम देख सकते हो किसी प्रकार भी हिंदू पंजाब के अंदर सुरक्षित नहीं है। डे बाय डे पंजाब के हालात अतवाद के दौर पर घूम रहे हैं। अजी प्रशासन को ये मंग करते हैं भी जोड़ा भाईचारा आप सारे समाज का भाईचारा बनया रहे। जोड़े लोग जिमें टारगेट किलिंग कर रहे हैं और सिर्फ समाज में भड़काने लिए कर रहे हैं, दंगा फैलाने लिए कर रहे हैं। सरकार इन्हों शरारती अंसर के अतवाद नत्थ पा के इन्हों जेल ठूसी जाए और जोड़े अतवाद के केस चलते उन्होंने फांसी लटकाया जाए। हिंदू जिमें अटैक होया अटैक होने तो बाद काफ़ी हिंदू लीडर सुरक्षा वंडिया गई, पर सवाल इस गल का है भी जिहड़े हिंदू लीडर असल दे विच थ्रिट है असल दे विच जिहड़ा खतरा है उन्होंने अजे प्रोपर सुरक्षा नहीं दी गई है, सिर्फ लॉलीपॉप दे दिए गए हैं।